हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोहोलिक टीवी पर। तो यार आज आपको वॉइस ओवर वाली वीडियो इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि यार आज भाई बारिश आ रही है यहाँ पर। और दूसरा दोस्तों कारण ये है कि यार नवरात्र चल रहे हैं तो भाई मंदिरों में यार जागरण कीर्तन स्टार्ट हो गए हैं, तो भाई वीडियो बनाना लगभग यार इम्पॉसिबल सही था। और मैंने आपसे वादा कर दिया था कि यार रोज़ आपको टेक न्यूज़ दूंगा, तो भाई कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सही। तो करते हैं भाई वीडियो को स्टार्ट क्योंकि आज काफ़ी कमाल की दोस्तों टेक न्यूज़ हमारे पास आई है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले भैया आपको अपना काम करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। तो आइए यार बिना किसी देरी करते हैं स्टार्ट। हाँ तो दोस्तों पहली जो अपडेट आई है वो है यार एप्पल की तरफ से। अब एप्पल तो हमारी टेक न्यूज़ में लगभग छाई सा गया है क्योंकि कल भी इसकी न्यूज़ थी और आज फिर आ गई है न्यूज़। दोस्तों ये है कि जो एप्पल का 5G वेरियंट है आईफोन का, वो आपको 2019 में देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर लीक्स के हिसाब से दोस्तों खबर आई है कि इसका 5G वेरिएंट आईफोन का आपको देखने को मिलेगा 2020 तक। तो यार मेरे हिसाब से काफ़ी लेट है क्योंकि जो बड़ी कंपनियां जैसे सैमसंग है, मोटोरोला है, उन्होंने अपने जो 5G वेरिएंट है यार वो ला दिए हैं लगभग, लेकिन आईफोन 2020 तक इंतजार करेगा। तो भाई आप ही बताइए कि आईफोन सही करेगा, एप्पल सही कर रही है या नहीं कर रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों उन्हें जल्दी लाना चाहिए। अगली दोस्तों अपडेट आई है वो है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग ने दोस्तों अपना मिड रेंज बजट वाला फ़ोन लॉन्च कर दिया है जो है सैमसंग गैलेक्सी A20। इसकी प्राइसिंग दोस्तों रखी गई है 12,499। इसके फीचर के बारे में दोस्तों थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको यहाँ पर दोस्तों 6 इंच से ऊपर की HD+ की डिस्प्ले मिलती है सुपर एमोलेड की। और दोस्तों आपको जो चिपसेट मिलता है वो है एक्जोनस का 7884 1.6 GHz पर क्लॉक। बात करें कैमरा की तो दोस्तों आपको 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, साथ में दोस्तों जो बैक कैमरा मिलता है वो डुअल मिलते हैं। तो बेसिकली कहें तो यार ओवर प्राइस फ़ोन है, बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि प्राइस यार 12,500 काफ़ी ज़्यादा है इस फ़ोन के हिसाब से। डिस्प्ले भी आपको HD मिलती है, तो भाई मेरे हिसाब से इसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं यार कितना सेल हो पाता है सैमसंग गैलेक्सी A20। तो अगली जो खबर है वो है गूगल असिस्टेंट की तरफ से। तो यार गूगल असिस्टेंट का दोस्तों लास्ट वीक में एक अपडेट आया था, उसके बाद दोस्तों यूज़र्स ने शिकायत की है कि जब वो कुछ चीज़ें सर्च करते हैं, हालांकि सारी चीज़ों में दोस्तों ये नहीं है, कुछ रिजल्ट्स में दोस्तों उनको ऐड शो होते हैं। तो यार ये कहां तक सही है इसकी जांच दोस्तों अब की जाएगी, देखते हैं यार गूगल इसके बारे में क्या जवाब देता है। हाँ तो दोस्तों अगली खबर है ओनर की तरफ से। ओनर की तरफ से दोस्तों काफ़ी दो बड़े अपडेट आए हैं यहाँ पर। उनके दो फ़ोन दोस्तों लगभग लीक हो चुके हैं, एक है दोस्तों ओनर का 20 Pro और एक है दोस्तों ओनर का 9S। अब दोस्तों जो ओनर का 9S है यहाँ पर आपको जो हुआवे का जो एक इंजॉय 9S फ़ोन है उसकी लगभग उसकी कॉपी देखने को मिलेगी, तो वो देखते हैं यार कब आ पाता है। लेकिन जो ओनर 20 Pro है ये सबसे ज़्यादा दोस्तों वेट की जा रही है इस फ़ोन की। इसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि यार ये एक फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन होगा और सक्सेसर होगा ओनर के व्यू 20 का। यहाँ पर दोस्तों लीक इसके सारे स्पेक हो चुके हैं जो कि हैं दोस्तों आपको IMX600 का सेंसर मिलने वाला है, साथ में आपको बैक में ट्रिपल कैमरा 40 MP 20 MP प्लस 8 MP का मिलेगा। हाँ तो दोस्तों बात करें स्क्रीन की तो आपको OLED की 6.1 इंच की मिल जाती है ओनर 20 प्रो में। तो यार ओवरऑल काफ़ी कमाल का फ़ोन है। अगर बात करें इसकी प्राइसिंग की तो लीक के हिसाब से दोस्तों इसकी प्राइसिंग 30,000 से लेकर 35,000 के बीच रहने वाली है, जो कि यार काफ़ी कमाल बात है। और दोस्तों अनुमान है कि अप्रैल के लास्ट या मई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यार काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, देखते हैं यार कितनी जल्दी ये आ पाता है। अब दोस्तों अगली बड़ी खबर है Realme 3 Pro की तरफ से। तो यार हमारी इंडिया की नंबर वन वेबसाइट 91 Mobiles ने अपडेट कर दिया है कि आपको जो मिलेगा स्नैपड्रैगन 710, साथ में दोस्तों आपको WOOC 3.0 की फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, माइक्रो USB पोर्ट मिलने वाला है, कैमरा सेंसर उन्होंने बताया है कि 16+5 MP के आपको बैक मिलने वाले हैं, साथ में आपको IMX का 519 सेंसर मिलने वाला है। तो यार इसी हिसाब से तो फ़ोन काफ़ी पावरफुल लग रहा है, देखते हैं यार क्या प्राइसिंग में ये लॉन्च होता है, वो तो वक्त ही बताएगा। अगली खबर आ रही है दोस्तों Redmi के Note 7 Pro की तरफ से। तो यार यहाँ पर Redmi इंडिया ने ऑफिशियली ट्वीट कर बता दिया है कि जो 6+128 GB वाला वेरिएंट है वो आपको जल्दी देखने को मिलेगा सेल पर। और हम दोस्तों ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो नेक्स्ट सेल होने वाली है Redmi Note 7 Pro की, वहाँ पर आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा आपकी बार 6 GB वाला वेरिएंट। तो यार ये काफ़ी कमाल बात है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेट हो रही थी इस वेरिएंट की और सेल में यार अवेलेबल ही नहीं था। तो देखते हैं यार क्या धमाल कर पाता है, धमाल तो करेगा ही, आप बुक कर पाओ या नहीं कर पाओ ये बड़ी बात हो। हाँ तो दोस्तों अगली अपडेट यहाँ पर मनु कुमार जैन की ओर से, जो कि यार Xiaomi के इंडिया के हेड हैं, तो काफ़ी कमाल के व्यक्ति हैं। यहाँ पर दोस्तों उन्होंने टारगेट कर दिया है सैमसंग को, रियलमी को। उन्होंने भी हाल ही में ट्वीट किया है और अपने जो Redmi Note 7 को है उसको कंपेयर कर दिया है सीधे सीधे सैमसंग A20 और Realme 2 Pro से, और बता दिया है कि Redmi Note 7 बेस्ट है। तो ये काफ़ी कमाल बात है, मज़ा आता है ऐसे ट्वीट देखकर। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों ये थी यार आज की कुछ टेक न्यूज़, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो में इतना, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।